छत्तीसगढ़ सरकार एक और जहां पर राज्य के मजदूरों को दूसरे प्रदेशों से लाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंगेली जिले में दूसरे प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों का पैदल आना जारी है। सर पर बोझ और कंधे पर मासूम बच्चों को रखे पैदल चल रही है मजदूरों, राज्य सरकार के द्वारा जगह जगह पर चेकिंग पोस्ट बनाया गया है। इसके बावजूद जिले में मजदूरों का पैदल जत्था रोजाना सड़कों की संख्या जो सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहा है, सड़कों पर भी मौजूद है। और इलाहाबाद से बिलासपुर होते हुए जो मजदूर जिले में पहुंच रहे हैं, उन्हें जिले की सीमा क्रॉस करने के बाद न तो भोजन और न ही वाहन की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भले ही दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को राज्य में वापस आने के तमाम दावे कर ले, लेकिन हकीकत इसके ठीक विपरीत है। खासकर मुंगेली जिले में इस मामले में अभी तक सिर्फ डेटा ही तैयार किया जा रहा है। और बात की जाए दूसरे प्रदेशों में मुंगेली जिले के जो मजदूर फंसे हैं उनको लाने के मामले में मुंगेली जिला काफी सटी साबित हो रही है, क्योंकि जिले में हैदराबाद और इलाहाबाद से बड़ी संख्या में मजदूर पैदल चलकर यहां आए हैं। इसके बाद भी यहां पास जो जिला स्तरीय क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, यहां पास ना तो खाने पीने की व्यवस्था है और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही फास्ट तरीके से जो प्राथमिक जांच की जानी है उसकी व्यवस्था है। इसके बावजूद कई तरीके की परेशानियों का सामना करते हुए छत्तीसगढ़ के जो मजदूर है वो यहाँ पहुंचे हैं। क्या किस तरीके का सामना करना पड़ता है आप लोग को, जैसे पैदल आए कितने दिनों में आए हैं आप लोग? पैदल हम लोग हैदराबाद से वही 10-12 दिन में आए हैं और यहाँ नागपुर तक पैदल आए 10 दिन तक। एक माजदा मिला है, उसमें हमसे 1-1 हजार रुपये वो लिया एक एक आदमी को, तब ला के वो राजनांद गांव में छोड़ा हमको आज सुबह 9 बजे। 9 बजे उसके बाद फिर हम लोग बस से राजनांद गांव से यहाँ आया और अभी तक वो कल दोपहर से 2 बजे से खाना खाए थे, अभी तक ना ही खाना मिला हमें ना ही कुछ। और यहाँ की सरकार से तो बढ़िया दूसरे की सरकार, हम तो खुद कह रहे हैं अब हम आके यहाँ पछता गए, हमें वही रहना चाहिए था, खाना पीना तो हमें मिल ही रहा था। कुछ लोग और हैं, आप बताइए किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा पूरे रास्ते भर और आप यहाँ आकर किस तरीके का आप लोगों के लिए खाने पीने का न? साहब गरीब को मदद करेंगे बोलता है भूखेश बघेल, आज तक न तो 2 रुपया हमारे खाता में आया है, न हमको 2 किलो चावल मिला है, 2 महीना के चावल दिया है, छोटा छोटा बच्चा वो खा गया। हम लोग प्रदेश में था साहब, वहाँ से 10 दिन में पैदल आया है, भारी मुसीबत हुआ है, हाथ पांव सूजन भी हो गया है देख लो सर, और चलते चलते अब कल से खाया है, आज अभी तक मुंह में पानी भी नहीं गया। राजनांद गांव में आया, वहाँ बस मिला, वहाँ का ड्राइवर जो है पानी भी नहीं पीने दिया, अपने खुद खाना खा लिया छाया में गाड़ी खड़ा करके, और हमको बोलता है कोरोना लेके आया है तुम दूर में रहो, ऐसे करके पानी भी नहीं लेने दिया साहब, भगवान का कसम झूठ नहीं। प्रदेश के कई जिलों पर चेकिंग पोस्ट बनाया गया है, उन चेकिंग पोस्ट पर आप लोगों से जैसे पूछताछ की तो क्या आने जाने की खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पास हुई? कुछ नहीं हुआ है वहाँ, कुछ नहीं, ऐसी खाली आया, पानी मांगा तो बाहर रहो कोरोना है तुम्हारा, कोरोना पकड़ के आया है ऐसा बोल दिया, पानी भी नहीं दिया एक बातल को। ये वो मजदूर है जिनके व्यथा आप हमारे चैनल के माध्यम से सुने हैं, जो कि 600 से 700 किलोमीटर पैदल चलकर मुंगेली जिले पहुंचे हैं, उसके बावजूद अब यहाँ पास ना तो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, वहाँ ना तो खाने पीने के इंतजाम है, ना तो प्रशासन के कोई अधिकारी पूछ परख के लिए यहाँ पास पहुँच रहे हैं और न ही जिले के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पास पहुँच रहे हैं।